गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 7। टुडे इज 26th ऑफ मे। तो शुरू कर रहे हैं, जो है आपका सॉल्व टाइप क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब पंच परमेश्वर चैप्टर 2 का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है कराने जा रहे हैं। अपनी कॉपी खोल लीजिएगा और आपको अपने पेन से बोल बोल कर लिखना है। क्वेश्चन 4, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ए, व्हाट वाज द जजमेंट बाय जुम्मन एट द एंड। जुम्मन ने अंत में क्या फैसला दिया। व्हाट वाज द जजमेंट बाय जुम्मन एट द एंड। आंसर, द जजमेंट बाय जुम्मन एट द एंड वाज दैट साहू शुड पे अलगू द अमाउंट ऑफ द ऑक्स। जुम्मन का अंत में फैसला यह था कि साहू को बैल की रकम दे देनी चाहिए। साहू शुड पे अलगू द अमाउंट ऑफ द ऑक्स। साहू को बैल की रकम अलगू चौधरी को दे देना चाहिए। वेन साहू बॉट द ऑक्स, क्योंकि जब साहू ने बैल खरीदा। इट सफर्ड नो डिजीज और डिसअबिलिटी, तब बैल को कोई बीमारी नहीं थी, बैल में कोई अयोग्यता या असमर्थता नहीं थी। साहू बॉट द ऑक्स, इट सफर्ड नो डिजीज और डिसअबिलिटी। द डेथ ऑफ द ऑक्स वॉज अनटाइमली, बैल की मृत्यु, ऑक्स की मृत्यु असामयिक थी। फॉर दिस, इसके लिए अलगू कॉन्ट बी ब्लेम्ड, अलगू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आपको यहाँ से यहाँ तक अच्छी हैंडराइटिंग में साफ साफ बोल बोल कर अपने कॉपी पर लिखना है। जस्ट आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, बी, व्हाई डिड द ओल्ड वीमैन नॉट गो टू द कोर्ट। वह बूढ़ी औरत कोर्ट में कचहरी में क्यों नहीं गई। व्हाई डिड द ओल्ड वीमैन नॉट गो टू द कोर्ट। आंसर आपका है, द ओल्ड वीमैन डिड नॉट गो टू द कोर्ट, कचहरी में नहीं गई। बिकॉज शी वॉज ओल्ड एंड हेल्पलेस, क्योंकि वह बूढ़ी थी और असहाय थी। बिकॉज शी वॉज ओल्ड एंड हेल्पलेस। यहाँ तो यहाँ तक आपको जो है नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पर, जो है जस्ट 50 सेकेंड आपको दे रहा हूँ।
अब नेक्स्ट अगला जो है क्वेश्चन नंबर आपका है सी, सी है आपका जो है व्हाट हैपेंड टू द फ्रेंडशिप, मित्रता में क्या हुआ बिटवीन जुम्मन एंड अलगू चौधरी, जुम्मन और अलगू चौधरी के बीच मित्रता को लेकर उनमें क्या घटित हुआ, व्हाट हैपेंड टू द फ्रेंडशिप, मित्रता के बीच क्या घटित हुआ, जो मित्रता जो है जुम्मन और अलगू चौधरी के बीच में थी, व्हाट हैपेंड टू द फ्रेंडशिप बिटवीन जुम्मन एंड अलगू चौधरी क्वेश्चन मार्क। आंसर, व्हेन अलगू डिड नॉट डिसाइड इन फेवर ऑफ जुम्मन, जब अलगू चौधरी ने जुम्मन के पक्ष में निर्णय नहीं दिया, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकिंग, तब जो है उनके बीच मित्रता का जो बंधन था वह टूट गया। जब अलगू ने जुम्मन के पक्ष में फैसला नहीं दिया तो उनके बीच मित्रता का जो बॉन्ड था, जो बंधन था, वॉज ब्रोकिंग BROKEN, जुम्मन बिकेम अलगू फो, और जुम्मन क्या हो गया, जुम्मन जो है अलगू का दुश्मन बन गया, एंड ही वॉन्टेड हिज रिवेंज, और वह जुम्मन और वह अलगू चौधरी से अपना बदला लेना चाहता था। जुम्मन बिकेम अलगूज फो, फो मतलब क्या होता है एनिमी, दुश्मन होता है, जो है जुम्मन अलगू का दुश्मन बन गया, एंड ही वॉन्टेड टू रिवेंज, और जुम्मन अलगू चौधरी से बदला लेना चाहता था, रिवेंज लेना चाहता था, प्रतिशोध लेना चाहता था। REVENGE, रिवेंज मीन्स क्या होता है, बदला या प्रतिशोध। नेक्स्ट फिर क्या हुआ जो है, व्हेन जुम्मन वाज नॉमिनेटेड द सरपंच, और जब जुम्मन को सरपंच नामांकित किया गया, जब जुम्मन को सरपंच बनाया गया, ही डिसाइडेड इन फेवर ऑफ अलगू चौधरी, तब जुम्मन अलगू चौधरी के पक्ष में निर्णय दिया, तब जुम्मन जो है अलगू चौधरी के पक्ष में निर्णय दिया, एंड बोथ बिकेम फ्रेंड्स, और दोनों जो है मित्र बन गए, अगेन दोनों क्या बन गए, मित्र बन गए, फॉरगेटिंग देयर एनिमिटी, अपने दुश्मनी को भूलते हुए, अपने दुश्मनी को भूलते हुए दोनों क्या बन गए जो है एक दूसरे के मित्र बन गए। देयर टीयर्स वॉश्ड ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, उनके आंसू ने जो है गलतफहमी के सभी मैल को धो दिया। देयर टीयर्स वॉश्ड, धो दिया ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी के सभी मैल को धो दिया। यहाँ तक है आपका जो है, अब आपको जो है राइट करना है, जो अपनी कॉपी पर जो है आपको हम 25 सेकेंड का समय दे रहे हैं, जो है आई एम गिविंग यू 25 सेकेंड।
अब नेक्स्ट, हाउ डिड साहू बिहेव विद ऑक्स, साहू ने बैल के साथ कैसा व्यवहार किया। बिहेव मींस क्या होता है, बर्ताव करना या व्यवहार करना। हाउ डिड साहू बिहेव विद ऑक्स क्वेश्चन मार्क आंसर, साहू बिहेव विद ऑक्स मर्सीलेसली। मर्सीलेसली मींस क्या होता है, निर्दयता से। साहू ने बैल के साथ निर्दयता से व्यवहार किया। ही बिगेन टू ड्राइव इट हार्ड, उसने बैल को बहुत कठोरता से हाँकना शुरू किया। बिगेन, ही मेड 3 to 4 ट्रिप्स एवरी डे, वह रोजाना 3 से 4 ट्रिप करता था। साहू जो है रोजाना 3 से 4 ट्रिप करता था। ही डिडंट फीड द ऑक्स प्रॉपरली, वह बैल को जो है ठीक से खाना नहीं खिलाया। ही डिड नॉट फीड मीन्स खिलाना द ऑक्स प्रॉपरली, वह बैल को ठीक से खाना नहीं खिलाया। यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, जितना क्वेश्चन आंसर कराया हूँ ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस आंसर कराया हूँ आपको होमवर्क की कॉपी में, इसको अगेन क्या करना है आपको जो है रीराइट करना है। स्पीक अलाउडली, जोर से बोल बोल कर लिखना है। स्पेलिंग पर आपको ध्यान देना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्म पर मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, समय का सही प्रयोग कीजिए। बी हैप्पी एंड ओबे योर पेरेंट्स। दैट्स ऑल।